सो भाई क्या लगता है आपको, अगर द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स पॉल हेमन गाए होते तो, आप सोचो कि पॉल हेमन एंड कोडी रोड्स एक साथ होते तो, ये कोडी रोड्स ने एक इंटरव्यू के अंदर बताया है कि वो पॉल हेमन गाय बनना चाहते थे हमेशा से, और अभी भी वो चाह रहे हैं कि पॉल हेमन गाय बने। अब दोस्तों चीजें क्या है बताने वाला हूँ, छोटी सी वीडियो है, आपका समय खराब नहीं करूंगा भाई साहब, बस एक छोटा सा काम कर दीजिए मेरे अपने भाई के लिए, सॉरी मैं भी आपका भाई हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई हमारे चैनल को कल्ट ऑफ रेसलिंग को, यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों आपकी, सब्सक्राइब कर देंगे मेरा काम हो जाएगा, फ्री का है, कोई पैसा नहीं लगना आपका भाई, थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों बात करते हैं कोडी रोड्स ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों देखिए कोडी रोड्स ने कहा है कि वो पॉल हेमन के गाय बनना चाहते हैं, पहले भी बनना चाह रहे थे अभी भी बनना चाहते हैं। आपको मैं सही कहूं ऐसा हो रहा था एक बार के लिए, ये 2013 की बात है, आपको याद होगा 2013 में पॉल हेमन के बहुत सारे गाय बने थे, जैसे कि कर्टिस एक्सल, सीएम पंक तो थे ही थे, ब्रॉक लेसनर भी मेजर नाम थे, तो कर्टिस एक्सल, सिजारो, ऐसे कुछ नए टैलेंट थे जिनको पॉल हेमन ने आगे काम दिया था, अपने साथ यूज किया था, लेकिन फैंस की नजरों में वो अच्छे नहीं उतर पाए। एक नाम कोडी रोड्स का भी था, कोडी रोड्स के साथ बैकस्टेज प्रिपरेशन थी पॉल हेमन की भी कि वो कोडी रोड्स के साथ जो है मैनेज करेंगे उनको, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि विंस मैकमैन को ये प्लान पसंद नहीं आया। जी हाँ, विंस मैकमैन ने ये आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया, विंस मैकमैन बुड़ाऊ ने इस प्लान को कहा कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन दोस्तों अगर ये जोड़ी बन जाती तो दोस्तों इससे दो चीज़ें होती, बिकॉज पॉल हेमन या तो कोडी रोड्स को बहुत मतलब ओवर कर देते, बिकॉज सही कहो तो कोडी रोड्स जो आज के समय पे है ना वो आज से 3 साल पहले ही बन जाता, यानी वो डब्ल्यू कंपनियों को भी छोड़ के जाता ही नहीं, वो एक बहुत अच्छा स्टार बन जाता, बिकॉज अगर जिसके हाथ में पॉल हेमन हाथ रख दे भाई उसका तो पता ही भाई साहब अपरंपार हो जाता है वो बंदा, समझ लो आप। लेकिन दोस्तों उस वक्त कहीं मैनेजमेंट के थ्रू ये प्लान पसंद नहीं आया, लेकिन दोस्तों रिसेंटली अब चीज़ें क्या हुई है कि कोडी रोड्स ने सब बताया है कि मैं पॉल हेमन गाय बनना चाहता था, जिस तरह से मैंने बताया आपको हिस्ट्री में एक बार मौका मिला था, लेकिन अब दोस्तों कोडी रोड्स ने कहा है कि अब मैं नहीं बनना चाहता, बिकॉज मैं बनना तो चाहता हूँ लेकिन अब उस तरीके का मेरा करेक्टर नहीं है कि मैं और पॉल हेमन साथ आ सके, बिकॉज आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो पॉल हेमन इज अ हील करेक्टर, आपको पता ही है पॉल हेमन ने आते जितने भी क्लाइंट्स को मैनेज किया वो एज अ हील प्ले हुए थे, जिसकी ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, रोमन रेंग्स, ये एक ऐसे सुपरस्टार है जो हील करेक्टर में चले हैं, ब्रॉक तो हील था ही है, सीएम पंक भी उस समय हील बन गया था पॉल के साथ आया था, रोमन रेंग्स तो हील था ही जब आया था पॉल के साथ, तो ये चीज़ें हैं। तो पॉल हेमन ने जितने भी सुपरस्टार को मैनेज किया है, एडवोकेट किया है, स्पेशल काउंसिल, वाइस मैन, वो एज अ हील में किया है, ना कि एज अ फेस में। एज अ फेस में तो आई डोंट थिंक सो कभी कोई चलेगा, बिकॉज जॉन सीना ने भी कहा था एक बार कि मैं पॉल हेमन गाय बनना चाहता हूँ, बट जो मेरा करेक्टर है वो फेस का है, जिस वजह से मैं नहीं बन पाया। सेम गोज टू कोडी रोड्स, कोडी रोड्स भी एज अ फेस करेक्टर है, जिस वजह से वो पॉल हेमन गाय कभी नहीं बन पाएंगे, और मैं देखना भी नहीं चाहता, मैं क्या कोई नहीं देखना चाहेगा कि पॉल हेमन अच्छे इंसान बन के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को पुश करते हैं। और सबसे बड़ी मेन चीज़ क्या है, भगवान में विश्वास रखना चाहिए भाई, आपके करेक्टर में कुछ भी हो जाए, मेन चीज़ है कि आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए, हम जो प्ले करते हैं वो हमारे लिए अच्छा है। अब किसी के गाय बनने से, जैसे कि रवड़ी कंपनी में होता है कि पॉल हेमन गाय बन गए वो बन के, हाँ वो चीज़ अच्छी है कि आप एक लेवल ऊपर चले जाओगे, लेकिन यार अपनी मेहनत भी कोई चीज़ होती है। और मैं सही बताऊँ तो कोडी रोड्स को भले ही बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, सही कहूँ तो कोडी रोड्स की फैन फॉलोइंग पता कैसी है, जब ये बंदा इमोशनल हो जाता है तब जो लोग हिटर्स हैं इसके वो भी कहेंगे नहीं यार कोडी अच्छा है, लेकिन जब कोडी रोड्स अपनी स्टोरी लाइन में काम करता है, जब मैचेस लड़ता है, तब भाई साहब लोग उसको बू करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज लोगों को लगता है कि यार ये बंदा वैसा नहीं है, और यार हर बंदा अलग अलग होता है। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई रोमन रेंस को कोडी ने हराया, अब कोडी को थोड़ा वक्त दीजिए। और मैं कोडी का फैन नहीं हूँ यार, अगर आप कॉमेंट में लिखते हैं मैं भाई कोडी का फैन नहीं हूँ यार, भाई कितनी बार बोलूँ यार, मैं जो पॉइंट्स होते हैं ना मैं उसको कवर करता हूँ। अगर कोडी रोड्स वाकई में हेट के लायक है तो उसको हेट मिलनी चाहिए, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए कोडी रोड्स को हेट मत कीजिए भाई, बिकॉज अभी वो पल नहीं आया है। मैं खुद बताऊंगा आपको कब कोडी को हेट करना है, अभी नहीं, बिकॉज अभी वो सही काम कर रहे हैं, अभी एक दो प्रीमियम लाइव इवेंट निकल ले दीजिए तब पता चलेगा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि कोडी रोड्स अब पॉल हेमन का है, आई डोंट थिंक सो कहीं बन पाएंगे, बिकॉज पॉल हेमन कभी भी ही फेस तो नहीं बनने वाला, उसका करेक्टर उस वो लगे सूट नहीं करेगा पॉल हेमन पे वो कभी वो करेक्टर। तो दिस इज वाई कि कोडी रोड्स एंड जो है पॉल हेमन आई डोंट थिंक सो कभी साथ आ पाएंगे। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग, सी यू टुमारो गाइस, थैंक यू वेरी मच।